है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो हैं वो भारत के दौरे पे हैं, और बड़ा इंडिया जो है वो बड़ा सखी हुआ हुआ है, बड़े लोन्स, कंसेशनल लोन्स बांग्लादेश को मिल रहे हैं। और मैं तो ये समझ रहा था कि इंडिया जो है, इंडिया बांग्लादेश जब भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऑलवेज वो 1971 जो है दैट इज ऑन द माइंड। और आज भी मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कह रहे थे शेख हसीना को कि हमें वो जो 1971 वाली फोर्सेस हैं उनको फॉलो करना है, या उनका पीछा करना है, या वो माइंडसेट को देखना है। शायद मेरे जहन में आया कि वो जो मजहबी ताकतें उस वक्त बांग्लादेश में थी, ये उनकी बात भी प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे थे, जमाते इस्लामी वगैरह जो उस वक्त जिन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ मिलके वो किया था। तो हाउ डू यू सी शेख हसीना का जो ट्रिप है, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो कंसेशनल लोन्स वगैरह मिले हैं, ये चाइना का खौफ है, या कि आप समझते हैं कि मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि इंडिया की जो चाइना पॉलिसी है वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। सो आप कैसे देखते हैं? हाय दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं टेंस और भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, पाकिस्तानी मीडिया के जली हुई जली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने, यानी इंडिया ने जो है 9.5 अरब डॉलर रुपया जो है बांग्लादेश को सहयोग में दिया, तो इसलिए जो है पाकिस्तान मीडिया चाह रहा है कि हमको भी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर तो भूखे मर रहे हैं सब पाकिस्तान में। तो चलिए दोस्तों, यही सब इस वीडियो में अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चीमा साहब, ऐसा है कि दो तीन बातें आपने पूछी तो मैं एक तरीके से जवाब देता हूँ। ये आपने जमात इस्लामी वाली बात करी, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, जमात इस्लामी आज भी एक्टिव है वहाँ पे। जो ब्लॉगर्स को मारना काटना बीच में चला था, वो बहुत, क्योंकि बंगाली पीपल आर स्लाइटली काफ़ी कल्चरली साउंड हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ज़्यादातर बंगालीज, ऐसी रेपुटेशन है उनकी भारत में और इवन इन बांग्लादेश। दे आर कल्चरली इवॉल्व्ड पीपल। तो जब वन यूनिट प्लान की बात हुई थी तो बोला था कि साहब उर्दू नाफिज करी जाएगी और उर्दू सब लोग बोलेंगे। अब उर्दू तो नई नई बनी है जबान, पुरानी नहीं है। बंगाली जो है वो, बांग्ला जो है वो करीब 1500 साल पुरानी है जबान। तो उस लिए थोड़ा सा वो फ्रिक्शन हुआ। फिर आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो फायरिंग हुई, स्टूडेंट्स मारे गए, रिटेलिएशन में बिहारी वहां के जो थे वहां पे सेटल थे वो 300 परिवार करीब मारे गए, फिर ऑपरेशन सर्च लाइट। तो ये जो एक 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 बैकग्राउंड है चीमा साहब, ऑपरेशन सर्च लाइट का, जनरल टिका खान वाला, जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लोकल बंगालीज को, इंटेलेक्चुअल्स को आइडेंटिफाई करने का, और जमात इस्लामी का था। पाकिस्तानी फोर्सेस तो कई बाहर से आई थी, जनरल टिका खान तो उनको नॉलेज तो थी पूरी बांग्लादेश के बारे में, ऐसी नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी को नॉलेज नहीं थी, लेकिन क्या है कि लोकल नॉलेज भी होती है, गली मोहल्ले वाली नॉलेज, वो किसी फौज को नहीं होती, वो किसी भी फौज को नहीं होती। अमेरिकन आर्मी हो, इंडियन आर्मी हो, पाकिस्तानी, चाइनीज, किसी को गली मोहल्ले वाली नॉलेज नहीं होती। वो तो या तो पुलिस वाले को होगी या जिस गली मोहल्ले में रहेगा उसको होगी। सो दैट इज हाउ जमात इस्लामी लेड द स्लॉटर ऑफ बंगालीज, जो कि होमदूर कमीशन की रिपोर्ट में भी उसका एक मेंशन है, जो पाकिस्तान के जस्टिस थे होमदूर साहब, तो उनका ये है। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा भी एनालिसिस वही है चीमा साहब जो आपका है। दूसरी बात, जो आप बात कर रहे हैं कंसेशनल लोन जो 9.5 अरब डॉलर के दिए, वो बात सही है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश हमारा एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और इस पूरे खित्ते में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। करीब 16 से लेकर 18 अरब डॉलर का एनुअल ट्रेड है, जो कि बढ़ा के लोग कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर तक हम ले जाएंगे 1-2-3 साल में। ये भी बात है। तीसरी चीज ये है कि आईटी में, स्पेस में, एटॉमिक एनर्जी में काफी हद तक बोला है कि हम लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। जो वाटर रिवर शेयरिंग की बात है उसका भी मामला सॉर्ट आउट, बॉर्डर डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट, वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। वो मोदी साहब ने अपने पहले टर्म में बिल्कुल रफा दफा करके उसको लेन देन करके जमीन का वो पक्का कर दिया। तो ये सब चीजें हो गई हैं। जहां तक चाइना की बात है चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलूंगा, और आपको थोड़ी सी अटपटी भी लगेगी, थोड़ी सी अजीब भी लगेगी, कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकन पावर इज ऑन द वेन। अमेरिकन पावर जो था अब वो नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है और कई सालों तक नहीं रहेगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अमेरिका सुपर पावर है, फाइनेंशियल सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और उससे बड़ा कोई सुपर पावर नहीं है, ये भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की 10 साल पहले जो हैसियत थी वो आज नहीं है। और कई लोग हिंदुस्तान में वो मानते हैं कि इन फ्यूचर
20-25 साल के बाद जो दुनिया में जो जिसको कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई होगी, सुजरेनिटी की लड़ाई होगी, जो पावर की लड़ाई होगी, दैट विल बी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, टू ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ, इनके बीच में लड़ाई होगी। और आज की तारीख में चाइना हैज मोर मनी देन इंडिया, ऑन पेपर चाइनाज मिलिट्री इज स्ट्रॉन्गर देन इंडिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को मार पड़ रही है बहुत बुरी तरीके से आज की तारीख में। इट इज अंडरगोइंग, इट इज टेकिंग अ बीटिंग जी मजा। और दूसरी चीज यह है कि इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड कर रहा है, एंड हमारे साथ तो लिंग्विस्टिक टाइज है, कल्चरल टाइज है बंगालियों के साथ, चाइनीज के साथ तो कुछ है नहीं, चाइना के ठीक है, चाइना के साथ सिर्फ एक चीज है, चाइना चेकबुक लेकर आएगा, इसके अलावा चाइना का कोई लेना देना नहीं है, इट हैज ओनली चेकबुक डिप्लोमेसी, इसके अलावा चाइना का कुछ नहीं है विद एनी कंट्री ऑन अर्थ, दे हैव नो कल्चरल टाइज। ह्यून सांग आया था इंडिया हजारों साल पहले, वो एक ही गाना गाते रहते हैं कि ह्यून सांग आया था और कौन आया था कौन नहीं गया था, वो जो भी है, लेकिन ऐसे कोई कल्चरल टाइज नहीं है हमारी चाइना के साथ जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज है। मैं आपको एक और बात बता दूं, केरला के किंग थे, केरला के राजा थे, हु वेंट कलारीपयट्टू इज मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला, आप गूगल में देख सकते हैं, जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स है ना, कलारीपयट्टू इज द फादर ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स, प्लीज गूगल इट एंड रीड, एंड रीड आर्टिकल्स बाय चाइनीज स्कॉलर्स, आप चाइनीज स्कॉलर्स का, इंडियन स्कॉलर्स का छोड़ दीजिए, रीड दिस थिंग, ये पूरा जो शाओलिन टेम्पल का जो स्टोरी है ये पूरी है, इट वॉज स्टार्टेड बाय पीपल फ्रॉम केरला, इट वॉज स्टार्टेड बाय द बुद्धिस्ट, दैट किंग बिकेम अ बुद्धिस्ट एन इवेंट, एंड बिकॉज द आइडिया वॉज टू एनिमी को बिना वेपन से मारना, कलारीपयट्टू में वेपन्स तो यूज करते हैं, उर्मी है, एक स्वॉर्ड होती है फ्लेक्सीबल टाइप की स्वॉर्ड, और ये सब स्वॉर्ड्स होती हैं, स्टिक होती है, सब होता है, लेकिन जो उन्होंने इवॉल्व करा, बिकॉज लेटर ऑन जो लोग बुद्धिस्ट बन गए थे, दे इवॉल्व्ड अ टेक्निक बाय विच यू नो यू कुड डिफेंड योरसेल्फ विदाउट यू नो किलिंग द अदर पर्सन बिकॉज दे वर बुद्धिस्ट। सो ये सब चीजें हैं, तो ऐसी बात नहीं है, उनके साथ भी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन जो कल्चरल टाइज हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल के साथ हैं और काफी हद तक श्रीलंका के साथ हैं, वो शायद सब है नहीं किसी और के साथ। बंगाल के साथ तो बंगालीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गया था एसोचैम की, एसोचैम जो हमारा इंडस्ट्री की बहुत मानी हुई बॉडी है एसोचैम की, तो वहां पे दे हैड कलकत्ता गया था मैं एसोचैम के एक लेक्चर में एक टॉक पे, तो वहां पे बांग्लादेश से एक वो आए थे, अ प्रोफेसर हैड कम फ्रॉम बांग्लादेश, एंड द वे द लोकल बंगालीज वर स्पीकिंग एंड द वे ही वाज स्पीकिंग, आपको वो सिर्फ बंगाली जान पाएगा कि बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा है, आप और मुझे पता नहीं लगेगा, इट्स द सेम लैंग्वेज, इज द सेम कल्चर ऑलमोस्ट, दे आर द सेम पीपल, तो एक वो भी बहुत जुड़ा थे चीमा साहब। तो यस ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइट फॉर इन्फ्लुएंस, चाइना फैक्टर वी कैन नॉट डिनाई कि देयर इज नो चाइना फैक्टर, ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चाइना फैक्टर, बट वी हैव टू काउंटर द चाइना फैक्टर एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू काउंटर द चाइना फैक्टर, जहां पे हम अकेले कर पाएंगे वहां पे अकेले करेंगे, जहां पे अमेरिका की मदद से कर पाएंगे वहां अमेरिका की मदद से करेंगे। देखिए चाइना अकेला है दुनिया में चीमा साहब, चाइना के दोस्त नहीं है, चाइना के साथ चलने वाले हैं, बिकॉज चाइना ने इतने लोन दे दिए उनको कि उनकी मजबूरी है चाइना, मतलब चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, अगर मैं आपको सिंपल देसी में समझाऊं तो चाइना की यारियां नहीं है किसी के साथ, हमारी यारियां हैं लोगों के साथ, वो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, व्हाई शुड आई लाई अबाउट इट, दैट इज ऑल्सो ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हैज टू बी काउंटेड एंड चाइना विल बी काउंटेड। चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऑब्वियसली जो रिलेशंस है वो तो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। अच्छा मेरे से भी एक और बात भी बताएं, मैं देख रहा था कि आई थिंक मैडम शेख ने इंटरव्यू दिया ANI को, और वहाँ पे सवाल हुआ कि जो इंडिया और जो चीन का मसला है उसमें जब बात हुई तो शेख हसीना ने कहा कि हमें जो है वो हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो हाउ कम इंडिया सी दिस, क्योंकि ये जो कुछ इंडिया ने ऑफर किया है टेबल पर रखा है बेसिकली दैट इज टू विन ओवर इंडिया बांग्लादेश को, और उधर मेरी तो इतलात ये भी है, इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंडिया ने बांग्लादेश ने बांग्लादेश डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वाड, इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच वर ऑफर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्वाड, लेकिन चाइना की वजह से वो नहीं गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो बांग्लादेश की जो इंटेंशन है टू बी न्यूट्रल, हाउ कम बांग्लादेश कुड बी ट्रबल मेकर और कुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया इन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश